दोस्तों बीटा उनके सबसे हॉट कपल कटरीना कैफ और विकी कौशल बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हालांकि कटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपने रिश्ते को काफी प्राइवेट रखा है, लेकिन उनका रिश्ता उनके फैंस से छिपा नहीं है। खबर यह है कि दोनों दिसंबर महीने की शुरुआत में शादी करने वाले हैं। रोजाना इनकी शादी से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि विकी कौशल और कटरीना कैफ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं काफी टाइम से। इसके बाद दोनों ने राजस्थान के राजशाही किले में भव्य तरीके से शादी करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में अपनी भव्य शादी समारोह से पहले कटरीना कैफ और विकी मुंबई में कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उनकी कोर्ट मैरिज अगले हफ्ते तक हो सकती है। करीबी दोस्त की माने तो विकी कौशल और कटरीना कैफ अपने दो रीति रिवाजों वाली शाही शादी को काफी सीक्रेट रखना चाहते हैं। इसके साथ ही वो इसे सबसे छिपाना भी चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी बिना फोन के होगी। आपको बता दें कि शादी में आने वाले मेहमानों से ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनका मोबाइल फोन वो अपने साथ में नहीं लेकर आए। इसके साथ ही मोबाइल फोन लाने पर बैन भी लगा दिया गया है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि विकी कौशल का ये फैसला है कि उनकी शादी को काफी गुपचुप रखा जाए। यही वजह है कि मीडिया को भी इन्वाइट नहीं किया गया है और जितने भी मेहमान शादी में शिरकत करने वाले हैं उनसे भी खास रिक्वेस्ट की गई है कि वो लोग साथ में मोबाइल ना लेकर आए, क्योंकि मोबाइल शादी में ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। रिपोर्ट्स की माने तो ये जोड़े के लिए काफी बड़ा दिन है, इसीलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शादी की कोई भी तस्वीर या वीडियो ऑनलाइन लीक ना हो। रिपोर्ट्स की माने तो विकी कौशल और कटरीना ने इन सब के लिए एक टीम को भी बनाया है जो कि इस बात का ख्याल रखेगी कि शादी की कोई भी वीडियो या फिर फोटो बाहर ना जा पाए।